जारी है और हम बहनों के लिए और बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जिसका लाभ आप ले रहे हैं। अगर नारी सशक्तिकरण में अगर किसी ने काम किया है और हमें त्रिस्तरीय चुनावों में भी 50% का आरक्षण अगर दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नारी को सम्मान दिलाया है और कानून इतने अच्छे बनाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और इस मंच के माध्यम से पन्नाना विधानसभा की ओर से अग्रिम बधाई देती हूँ, अग्रिम बधाई देती हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करती हूँ क्योंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी हर 5 किलोमीटर पर हाई स्कूल स्वीकृत किया है। उच्च शिक्षा के लिए हमारे यहाँ पन्नाना में शासकीय महाविद्यालय बन रहा है वो भी 650 करोड़ 50 लाख की लागत से बन रहा है। ऐसे बहुत सारे विकास कार्य किया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है और ये आपने सहरसा और कांग्रेस का लाज भी देखा, कांग्रेस का लाज भी आपने सहरसा देखा और माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी आपने 15 साल का देखा। एक बीमारू राज्य को एक स्वस्थ और शिक्षित राज्य में परिवर्तित किया है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कर पाए हैं और हम सबसे कोई योजना लेकर आते हैं और सलाह आप ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें स्वस्थ किया है, 2 मांगे और हमारे क्षेत्र की है और भाई साहब जी पहले ही बोल चुके हैं छिलटे की 1 किलोमीटर की जो धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नंदू भैया से मैं भैया भी निमार की नैया आनी नहीं तूफान है। मैं भैया हमारे शिव गुप्ता जी है मध्य प्रदेश की योजनाओं की निमारी में गुणगान करते हैं पूरे मध्य प्रदेश में एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनता आशीर्वाद देने मुख्यमंत्री जी को आई और मुख्यमंत्री जी भी सीधे जनता से संवाद करना चाहते हैं। बड़े सम्मान के साथ मुख्यमंत्री जी के जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत, जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की, नर्मदा मैया की, पंथाना और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान और तंजा मामा की, हमारे लोकप्रिय सांसद मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और आज के सबसे प्रिय नेता आदरणीय नंदू भैया नंद कुमार सिंह चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात झा जी, इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती योगिता बोरकल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय हरीश कोट वाले जी, आदरणीय बाबूलाल जी, कैलाश पाटीदार जी, पहले पंथाना के और खंडवा के विधायक भाई देवेंद्र वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन हसीना भाटे जी, आदरणीय राजपाल सिंह तोमर जी, बर्मानंद कुशवाहा जी नगर पंचायत के अध्यक्ष, बहन कंचन तनवे जी, श्रीमती जगताप जी, मुकेश जी, राजेश जी, मंडल के अध्यक्ष सुखदेव पटेल जी, राजेश पाटीदार जी, जितेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान
सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण और पंडाना की इस मंडी में जहां तक मेरी नजर जा रही है, जनता जनार्दन का सैलाब नजर आ रहा है। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं जनता की जिंदगी बदलने निकला हूं। मेरे किसान भाइयों, सरकार कांग्रेस ने भी चलाई, 50 साल तक एक छत्र राज कांग्रेस ने दिया, लेकिन इन 50 सालों में कांग्रेस ने मध्यप्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। जब 2003 में हम लोगों ने सरकार संभाली तो मध्यप्रदेश में सिंचाई नहीं थी, मध्यप्रदेश में बिजली नहीं थी, मध्यप्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। और पन्नाना वालों, आपने मांग की कि 6 गांव माखन चाहिए, तो 6 गांव माखन स्वीकृत करके उस पर तेजी से काम करना है। 1.25 लाख एकड़ में सिंचाई होगी। आज भाम मध्यम सिंचाई परियोजना 228 करोड़ 11 लाख की, 15,000 एकड़ में सिंचाई होगी। और नंदू भैया मुझे रास्ते में बताते आ रहे थे कि सिंचा डैम का पानी जैसे इस तरफ लाया जाए, मैं नंदू भैया उसका भी परीक्षण करवाऊंगा। और पंडाना वालों, 1-1 इंच जमीन में सिंचाई कैसे हो इसकी व्यवस्था करूंगा। ये जीवन का मिशन और संकल्प है, किसानों की जिंदगी बदलना है। मेरे किसान भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो 18% ब्याज पर कर्जा देती थी, मैंने घटा के कर दिया 0%। फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। अरे किसान भाइयों, पर इस साल आपने गेहूं बेचा उसके 200 रुपया क्विंटल मैंने इस साल किसानों के खाते में डलवाया, आप सोचते भी नहीं थे, मैंने करके दे दिया। और इस साल पूरे देश में गेहूं बेचा 1735 रुपया क्विंटल, लेकिन 265 देके मैंने गेहूं बिकवाया 2000 रुपया क्विंटल। और अभी चिंता मत करना, कपास के भी पूरे दाम दूंगा और सोयाबीन की भी पाई पाई दूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पसीने की कीमत किसान को देना है, ईमानदारी से बताना पंडाना वालों, जितना पैसा मैंने अलग अलग योजनाओं में किसान के खाते में डाला है, कभी कांग्रेस ने दिया था क्या? और पासबुक संभाल के रखना, पता नहीं कब कौन से पैसा मामा भिजवा दे, चिंता मत करना। खेती को पीछे नहीं रहने दिया, किसान संघ ने भी ज्ञापन आज सौंपा है, किसान मोर्चे ने भी सौंपा है, खेती को आगे बढ़ाना है ताकि 65% आबादी को आगे बढ़ा सकूं। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश को तबाह बर्बाद किया। आज कांग्रेस के लोग बात करते हैं, इनके जमाने में बिजली तक तो मिलती नहीं थी, सिंचाई की तो छोड़ा ही दो, तबाह और बर्बाद मध्यप्रदेश छोड़ा था। लेकिन मुझे जिंदगी बदलना है मेरे बहन और भाई और जनता की, इसलिए एक तरफ किसान की जिंदगी बदलना है भाई, दूसरी तरफ मेरे गरीब बहनों और भाइयों, कोई जाति समाज के हो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, चाहे वो सामान्य वर्ग के हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हो ओबीसी के, चाहे एससी हो, चाहे आदिवासी भाइयों और बहनों हो, तुम्हारी जिंदगी बदलने का संकल्प है गरीब बहनों और भाइयों, तुम्हारे साथ न्याय होगा, इस संकल्प के साथ निकला। और ये योजना बनाई मैंने संबल योजना, इस योजना में कोई भी गरीब भाई बहन किसी भी जाति समाज का हो, जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, खून पसीना बहाने वाला है, दिनों रात मेहनत करने वाला, खेत जोतने वाला है, फसल काटने वाला है, गिट्टी तोड़ने वाला, पत्थर ढोने वाला, हाथ ठेला लगाने वाला, साइकिल रिक्शा चलाने वाला, हम्माली करने वाला, और 2.5 एकड़ तक के किसान भी शामिल है। अभी किसान मोर्चा वाले का 2.5 का 5 एकड़ कर दो इसमें, मैं इस पर भी विचार करूंगा, क्योंकि किसान को भी तो पूरी सहूलियत देना है। 2.5 एकड़ तक का किसान अभी शामिल है इसमें, आगे 5 एकड़ की बात हो रही है, मैं उस पर भी विचार करूंगा।
और छोटे मोटे व्यापारियों, किराने की दुकान वाले, फल की दुकान वाले, सब्जी की दुकान वाले, पान की दुकान वाले, चाय की दुकान वाले, फुटपाथ पर सब्जी भाजी बैठने वालों, तुम भी सब इसमें शामिल हो बिना किसी जाति भेद के। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, सबका कल्याण करो शिवराज। इस भाव से ये योजना बने, क्योंकि मुझे गरीबी हटाना है। नारे कांग्रेस ने बहुत लगाए, इंदिरा जी ने नारा लगाया गरीबी हटाओ, राजीव जी ने नारा लगाया गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने नारा लगाया गरीबी हटाओ। मेरे बहनों और भाइयों, नारे तो लगाए लेकिन गरीबी हटी जा? अरे जोर से बताओ, हटी जा? आज मैं आया हूं आपके बीच गरीबी हटाने का संकल्प लेके। और ये जितनी श्रेणी मैंने बताई, 2,20,00,000 लोग इसमें शामिल हो चुके हैं, हर जाति और समाज के। इनको क्या देंगे? नंबर एक, जिनके कच्चे मकान हैं, उन सबको पक्का मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, कोई झोपड़ी में नहीं रहे। किसी जाति का गरीब हो, धन्नू पन्ना कल्लू चन्ना मन्ना टुन्ना जुल्मन, तेरी जिंदगी बदलने के दिन आए हैं। जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, पट्टा दे के उनको मालिक बनाएंगे, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा इस धरती पर। ये शिव संकल्प है हमारा। और तीसरी बात, मेरे भांजे भांजियों, अभी दौर से चले आ रहे मामा मामा मामा, रस्ते में जगह जगह भांजे भांजिया, सुनो साफ, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ओबीसी पिछड़ा वर्ग आदिवासी कोई भी हो, अब तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। मैं किसी भी बच्चे की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा और धन के अभाव में उसको पिछड़ने नहीं दूंगा। कोई भेद नहीं सबके लिए मेरे बहनों और भाई। और इसलिए इस संबल योजना में तीसरी महत्वपूर्ण चीज हमने ये की है। और एक बात और, गरीबों को तंग करती थी, मैं जा जाता था, मामा मर गया, क्या हो गया, बिजली का बिल आ गया, कितने का आ गया, 1,00,000 का 1.5 लाख का 2 लाख का। मैंने कहा दिया कब से नहीं? बोले मामा तू जब से बना हमने दिया ही। तो मैंने कहा इसलिए तो बड़ा बड़ा आ गया, तो भी बोले दे कहां से दे। और इसलिए तय कर दिया है, जितने बड़े बिजली के बिल है गरीब बहनों और भाइयों, आपको जमा पैसे नहीं करना, बिल जमा करवा दो बिजली वालों के पास और कह दो पैसा मामा जी देंगे। आपके बिल जमा होंगे, मैं पैसे जमा करवा के आपका बिल जीरो करवा दूंगा। किसी घर अंधेरा नहीं रहने देना, किसी घर अंधेरा नहीं रहने देना। नहीं तो कट गए बिजली, क्यों पैसा नहीं दिए, अंधेरे में दिए, नहीं होने देंगे। और इसलिए ये योजना मैंने बनाई। और आगे मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आदिवासी बहनों और भाइयों, किसी भी जाति और समाज के बहनों और भाइयों, कभी बिजली ना कटे इसलिए सरल बिजली बिल योजना हमने अंदाज लगाया। एक परिवार में आखिर कितनी बिजली चाहिए? 4 बल्ब चाहिए, तो 4 बल्ब देंगे। पंखा चाहिए क्योंकि गर्मी में नहीं तो मच्छर खा जाए, और पंखा भी एक नहीं चाहिए, 2 पंखा चाहिए, एक मम्मी पापा के लिए, एक भांजे भांजी के लिए। तो 2 पंखा का कनेक्शन, और तीसरा टीवी तो चाहिए ही चाहिए। अरे बिना टीवी के काम चलता है क्या? तो टीवी का कनेक्शन। और कभी कभी गर्मियों में कूलर की ठंडी हवा में भी गरीब बेटा बेटी सो ले यार, इसलिए कूलर का कनेक्शन। और मोबाइल तो चाहिए। हेलो हाय हाउ डू यू डू मामा सेल्फी। और ने मोबाइल का कनेक्शन। इन 5 चीजों के लिए जितनी बिजली लगेगी केवल 200 रुपया महीना में दे दी जाएगी, केवल 200 रुपया महीना। ये मत समझ लेना कि 200 में मिल रही, बाकी तो मामा भरवाएगा। बिजली वालों को तो पूरा पैसा देना पड़ेगा ना। और इन 5 चीजों के लिए, ताकि किसी घर में अंधेरा ना रहे। और नंदू भैया, विधायक जी, अध्यक्ष जी, हर घर में बिजली चाहिए, टोला मजरा फालिया टपरिया, कोई मोहल्ला कोई घर नहीं छोड़ेंगे।
दिसंबर तक हर घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में दिया जाएगा, गरीब के घर में फ्री में कनेक्शन दिया जाएगा, कोई घर अंधेरा नहीं रहने देगा, हर घर रोशन होगा बहनों और भाइयों, हर घर रोशन होगा। इसके लिए हमारा अभियान चल रहा है। अभी तक मैं देख रहा था आंकड़े, जो बिजली के बिल मैंने 33,387 परिवारों के 16,35,00,000 रुपया भर चुका हूं पंधाना विधानसभा में। 8,081 प्रधानमंत्री आवास बन रहे, 26,540 बहनों को, 450 बहनों को गैस कनेक्शन मिले हैं। और इसके अलावा मेरी बहनों, मैं देखता था गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो आराम करने नहीं जाती थी, हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी, बेटा बेटी को साथ लेके काम करने जाना पड़ता था। अब तय कर दिया है बहनों, बेटा बेटी कोख में आएगा तो ये भैया 4,000 रुपए का चेक भिजवाएगा तुम्हारे खाते में, और जब जन्म ले लेंगे तो 12,000 फिर भिजवाएगा, ताकि बहन को मजदूरी ना करना पड़े। इलाज फ्री में होगा, निःशुल्क होगा, भगवान ना करे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट की बीमारी, एक नया पैसा नहीं लगेगा। सरकारी के अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क इलाज होगा। और कल तो खंडवा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर रहा हूं मैं, खंडवाई में मेडिकल कॉलेज आ रहा है, और बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं। और भगवान ना करे कभी किसी परिवार में 60 साल से कम उम्र में अगर मृत्यु हो गई तो परिवार तबाह हो जाता है, वैसी हालत में 2,00,000 रुपया भेजूंगा खाते में। और अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई तो 4,00,000, और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपया भिजवाऊंगा, चिंता मत करना, इज्जत के साथ अंतिम विदाई दें इसका इंतजाम करूंगा। 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक पहले से ही दे रहा हूं। अब बताओ मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सिर्फ नारे लगाए गरीबी हटाओ के, लेकिन अगर 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक मिल जाए, पक्के मकान बन जाए, रहने की जमीन का पट्टा मिल जाए, भांजे भांजियों की फीस भरा जाए, निःशुल्क इलाज हो जाए, बिजली सस्ती मिल जाए, मौत मैयत में पैसा मिल जाए, प्रसूति सहायता मिल जाए, अंतिम संस्कार का पैसा मिल जाए, तो बताओ गरीबी बचेगी क्या? अरे सब बताओ बचेगी क्या? तो सुनो, मैं गरीबी नहीं बचने दूंगा, मजदूर और गरीब को मजबूर नहीं रहने दूंगा, इस अभियान पर निकला हूं, बदलूंगा जिंदगी मेरे बहनों और भाइयों, बदलूंगा जिंदगी। और जब इस अभियान पर मैं निकला तो कांग्रेस के मित्रों को मन में बड़ी तकलीफ होती है, परेशान है आजकल, कई जगह तो कोशिश ये होती है कि रोके कैसे इसको, और कुछ नहीं बना तो पत्थर ही चलवा दिए मुझ पे। कांग्रेसियों कितने भी पत्थर चलाओ, शिवराज को फर्क नहीं पड़ता, अगर मर भी जाऊंगा तो फिर से जन्म लेके आऊंगा और गरीबों की सेवा करूंगा, सबकी सेवा, सबका साथ, सबका विकास। मेरे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कब कांग्रेस ने करवाई थी, और मेरी बहनों बेटी को लाली लक्ष्मी, कन्या विवाह योजना, गांव की बेटी योजना, कन्या निकाह योजना, 50% रिजर्वेशन, और अभी मेरे बेटा बेटियों इसी सितंबर के महीना में हजारों शिक्षकों की भर्तियां निकल रही है, उनमें आधी भर्ती बेटों की करूंगा, आधी भर्ती बेटियों की करूंगा, 50-50 दोनों होंगे। पुलिस की भर्तियां निकल रही है, उसमें भी 33% भर्ती बेटियों की करूंगा, ताकि गुंडों की अकल बेटियां ही ठिकाने लगा दे। और मेरी बहनों, एक कानून बनाया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर मासूम बिटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, सीधे सजाए मौत, इससे कम कुछ नहीं। ये पापी धरती के बोझ है, इनका बोझ कम कर दिया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास मेरे बहनों और भाइयों, ये अपना मध्य प्रदेश शांति का टापू है, और हर समाज को साथ लेकर मैंने चलने की कोशिश की है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा,
सबको न्याय मिले ये सुनिश्चित करूंगा, किसी को निराश नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं सबका हूं मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबका हूं। और मैं सबसे अपील और प्रार्थना करता हूं कि मध्य प्रदेश में शांति बनाए रखे, हर एक की सुनूंगा, चाहे चीजें हर एक की सुन के और समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। आदिवासी बहनों और भाइयों, आपके गांव में जो आदिवासी बहुल गांव है, वहां जनजाति अधिकार सभा बना के गांव में झगड़े से निपटाने से लेके कई अधिकार आपको ही दे देंगे, ताकि इधर उधर चक्कर ना लगाने पड़े। जिंदगी बदलने का काम करना है सबके लिए, शांति का टापू मध्य प्रदेश बना रहे, ये ड्यूटी हम सबकी है। हर एक बात सुनी जाएगी, जायज बात सुनी जाएगी, सबको साथ लेकर चला जाएगा, कोई पीछे नहीं रहेगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। आओ मेरे बहनों और भाइयों, एक नया मध्य प्रदेश बनाने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। उस